स्टीरियो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में की सीरीज में ये क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज आइडेंटिकल। हर ऑप्शन में एक एक पेयर दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन में इन्होंने बोला ये सी एल है, ये सी एस थ्री है, ये एच है, और रियर कार्बन पर इन्होंने कहा है कि ये सी एल है, ये सी एस थ्री है और ये एच है, राइट। और दूसरा जो कंपाउंड इन्होंने लिया है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले न्यूमैन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमैन में इस कार्बन को रियर पे रख लेता हूँ, इस कार्बन को फ्रंट पे रख लेता हूँ। तो रियर कार्बन को हम सर्कल से शो कर देते हैं और फ्रंट कार्बन को ऐसे पॉइंट से शो कर देते हैं, राइट। तो फ्रंट कार्बन पे सी एल वर्टिकली नीचे है, एच ऊपर है और सी एस थ्री ऐसे है, और रियर कार्बन पर सी एल वर्टिकली ऊपर है और सी एस थ्री राइट में दिख रहा है और एच लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है ना। एक काम हम कर सकते हैं, या तो हम इसको घुमा के देख लें कि क्या कहीं फुल्ली एक्लिप्स बना रहा है या कैसा बना रहा है, मेंटली हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर मैं अपसाइड डाउन ऐसे पलट दूं, तो ये सी एल ऊपर, सी एस थ्री लेफ्ट में और एच राइट में फ्रंट पर, ठीक है ना। तो इसमें एक ऐसी स्थिति बनेगी, इसमें एक ऐसी स्थिति बनेगी जब जब ये सी एल तो हो जाए ऊपर वर्टिकली अपसाइड, एच राइट में और सी एस थ्री लेफ्ट में, ठीक है ना। और वहां भी ऐसे चेंजेस आएंगे, ये वाला सी एल नीचे हो जाएगा और उसके अलावा ये वाला सी एस थ्री लेफ्ट में दिखाई पड़ेगा और एच राइट में दिखाई पड़ेगा। इसका हम फिशर बनवा सकते हैं। अगर हमने फिशर बनवाया तो सबसे ऊपर होगा सी एल और सबसे नीचे होगा सी एल। ऊपर राइट में एच है और लेफ्ट में सी एस थ्री है। नीचे वाले को एक स्विच मारते हैं। आपको पता है ना, स्टेगर्ड से अगर हमें फिशर बनाना हो तो रियर कार्बन पर एक स्विच करना चाहिए। जो लेफ्ट में दिखता है उसको राइट में लिख दो, जो राइट में दिखता है उसको लेफ्ट में लिख दो। इसका आर एस निकाल के देख लो, 1 2 3, ये है एस, ये 1 2 3, ये भी एस है। सो दिस इज एस एस, राइट। दूसरा वाला कंपाउंड ले लेते हैं, ऑप्शन ए में जो दूसरा कंपाउंड है वो है सी एस थ्री नीचे, यहां पर सी एल और यहां पर एच, ये फ्रंट कार्बन है और रियर कार्बन पर सी एस थ्री वर्टिकली ऊपर, राइट, और यहां पर सी एल और यहां पर एच, ठीक ना। इसका न्यूमैन बनवाते हैं। इसका न्यूमैन क्या हो जाएगा, इसका न्यूमैन हो जाएगा ये रियर कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट पर सी एस थ्री वर्टिकली नीचे, लेफ्ट में सी एल और राइट में एच, और रियर का सी एस थ्री वर्टिकली ऊपर, राइट में एच और लेफ्ट में सी एल। अब इसको भी अपसाइड डाउन कर लेते हैं, इस मॉलिक्यूल को ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो सीधा कर देंगे अगर, तो ये बन जाएगा, ये है रियर कार्बन, और रियर कार्बन पर सी एस थ्री ऊपर फ्रंट में चला जाएगा, राइट। तो जो यहाँ राइट में दिखता था वो लेफ्ट में, जो यहाँ लेफ्ट में दिखता था वो राइट में। सिमिलरली ये सी एस थ्री बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो यहां पर लेफ्ट में दिखता है वो यहां राइट में आ जाएगा, और जो यहां पर राइट में दिखता था वो यहां लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसका बना लो फिशर। सबसे ऊपर सी एस थ्री है, सबसे नीचे सी एस थ्री है, ऊपर राइट में सी एल है, लेफ्ट में एच है, नीचे जो राइट में दिखता है उसको स्विच करके लेफ्ट में लिखना है, जो लेफ्ट में दिखता है उसको स्विच करके राइट में लिखना है, ये हो जाएगा। इसका आर एस निकाल के चेक करो, ये है 1 2 3, ये पहला ऊपर वाला कार्बन तो एस है, और नीचे वाले कार्बन में देख लो 1 2 3, ये भी एस है, देख लो। इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये दोनों एस एस, सेम नेचर कार्बन सेंटर, ऑल दो दे डोंट लुक लाइक अलाइक बट दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल बिकॉज दे आर हैविंग सेम नेचर कार्बन सेंटर्स विथ सेम कॉन्फ़िगरेशंस इंडिविजुअली ऑन एवरी कार्बन, ठीक है ना। तो इसलिए आइडेंटिकल हो जाएंगे। किसी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन को या किसी भी सॉहार्स प्रोजेक्शन को, न्यूमैन प्रोजेक्शन को
फिशर में बदला तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ही सभी समस्याओं का सोल्यूशन है, ठीक है ना। एवरी प्रॉब्लम है सोल्यूशन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो ट्राई टू कन्वर्ट एवरी प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन टू फिशर फॉर्मूला, ठीक है ना। आंसर आ चुका है, आंसर है ए, आंसर इज ए। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसके बाद दूसरा वाला भी, दूसरा तीसरा वाला भी ट्राई कर लें, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है कि यहां पर है Cl और यहां H और सॉरी यहां पर है I और यहां पर है H, ठीक है ना। ये ऊपर Cl है क्लोरो और रियर कार्बन पर ऊपर है CH3 और लेफ्ट में है I और राइट में है H। इसका न्यूमैन बनवा देता हूं। इसके न्यूमैन में ये हो गया रियर कार्बन और ये हो गया फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट पर Cl वर्टिकली अपसाइड, लेफ्ट में I है, लेफ्ट में I है और राइट में H। रियर पर भी ऊपर CH3 है एक्लिप्सिंग फॉर्म में, ऊपर CH3, नीचे H के पीछे H है और I के पीछे I है। आप देखें ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है। इसका अगर आप फिशर बनवाओगे तो ऐसे बन जाएगा, देखो ऊपर Cl H और I और नीचे CH3 H और I। RS निकाल लो, 1 2 3, ऊपर वाला कार्बन तो S है, नीचे वाला कार्बन निकाल लो 1 2 3, ये भी S है, बोथ ऑफ देम आर SS, ठीक है ना। इसका दूसरा ऑप्शन चेक करो, मतलब इसका पेयर, पेयर में इन्होंने क्या कहा है, यहां फ्रंट पर तो वर्टिकली H नीचे है और I ऊपर है और Cl ऊपर है, ठीक है ना, और रियर पर I वर्टिकली ऊपर है, ये CH3 है और ये H। इसका फिशर, इसका न्यूमैन बनवा लो, फिर फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे। न्यूमैन बना लो, फ्रंट पर ये वर्टिकली डाउन और ये I और ये Cl, ठीक है ना। रियर पर I वर्टिकली अप और यहां पर है CH3 और यहां पर है H। इसको अपसाइड डाउन कर लें क्योंकि फिशर बनाने के लिए हमें फ्रंट वाले का वर्टिकल वाला ऊपर होना चाहिए। तो अगर इसको वर्टिकली अगर 180 कर दें, अपसाइड डाउन करके 180 कर दें, तो फ्रंट का H ऊपर दिखाई पड़ेगा, तो Cl राइट में और I लेफ्ट में, और रियर का I नीचे दिखाई पड़ेगा, तो फिर H राइट में और CH3 लेफ्ट में। अब इसका फिशर बनवा लो, फिशर में ऊपर H है, राइट में Cl है, लेफ्ट में I है, सबसे नीचे आयोडीन है, लेकिन स्टेगर्ड वाले में फिशर में हम स्विच मारते हैं, तो यहां H, यहां पर CH3। चलो जरा RS निकालो, ये है 1 2 3, ये है R और ये है 1 2 3, ये है S। आप देख लें, एक है SS और एक है RS, तो ना तो ये आइडेंटिकल होंगे और ना ही इनशियोमर्स होंगे, ठीक है ना, ये आपस में डायस्टीरियोमर्स है। तो ऑप्शन बी में जो पेयर है वो डायस्टीरियोमर्स है, ऑप्शन ए में जो पेयर था वो आइडेंटिकल था। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी और कर लेते हैं यहां पर इसको रब करके, ऑप्शन वापस, ऑप्शन सी के पेयर को देख लेते हैं। ऑप्शन सी में एक पेयर ऐसे है, फ्रंट कार्बन का एफ वर्टिकली डाउन, ब्रोमो लेफ्ट में और राइट में एच है, रियर कार्बन पर, रियर कार्बन पर Cl वर्टिकली अप, यहां CH3 है और यहां पर H, ठीक है ना। इसका न्यूमैन बना लो, तो न्यूमैन में ये रियर कार्बन होगा, ये फ्रंट कार्बन होगा, फ्रंट पर F नीचे, ब्रोमो लेफ्ट में और H राइट में, रियर पर Cl ऊपर, CH3 नीचे राइट में और ये H। इसको अपसाइड डाउन कर देता हूं, ऐसे अपसाइड डाउन करने पर क्या बन जाएगा, ये साहब F वर्टिकली ऊपर हो जाएगा, तो H लेफ्ट में और ब्रोमो राइट में हो जाएगा, इसमें Cl वर्टिकली नीचे हो जाएगा, तो CH3 लेफ्ट में हो जाएगा,
जो राइट में दिखता था वो लेफ्ट, जो लेफ्ट में दिखता था वो राइट। इसका बनवाओ फिशर, सबसे ऊपर एफ, ऊपर राइट में बी आर और लेफ्ट में एच, सबसे नीचे सी एल, लेकिन स्टेगर्ड में हम स्विच मार के बनाते हैं। जो राइट में दिखता है उसको लेफ्ट में लिखो, जो लेफ्ट में दिखता है उसको राइट में लिखो, आर एस निकाल लो, ठीक है ना। आर एस क्या निकलेगा, 1 2 3, ये एंटी क्लॉक रोटेशन है तो ये हो जाएगा आर, और यहां पर हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा एस। ब्रोमो एफ वाला जो कायरल सेंटर है वो आर है, और जो सी एल सी एस थ्री वाला कायरल सेंटर है वो एस है। इसी का दूसरा पेयर ले लो, दूसरा पेयर इसका है न्यूमैन में, ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, दूसरा पेयर न्यूमैन में दे रखा है, फ्रंट कार्बन पर एच वर्टिकली अप ब्रोमो, और यहां पर है एफ, और रियर कार्बन पर, रियर कार्बन पर एच वर्टिकली नीचे, और यहां पर ब्रोमो, और यहां पर एफ, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें इसमें और इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूले का ही फर्क है, इसका हम बना लेते हैं स्टेगर, वैसे फिशर बना लेते हैं। ये एफ है, नीचे एच है, और यहां पर स्विच करके ब्रोमो और एफ आ जाएगा। तो आप देखें इन दोनों में मॉलिकुलर फॉर्मूले का ही अंतर है। इफ देयर हैव बीन डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला देन दे कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। हमें आइडेंटिकल पेयर निकालना था, लेकिन सी ऑप्शन में आइडेंटिकल पेयर नहीं है क्योंकि एक दूसरे के मॉलिकुलर फॉर्मूला मैच करता नहीं। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है दोनों का, ठीक है ना, दोनों का न्यूमैन दिया हुआ है। ऊपर फ्रंट कार्बन पे ऊपर एच है, नीचे लेफ्ट में ब्रोमो है, राइट में आई है, इसमें फ्रंट कार्बन पर ऊपर ब्रोमो है, लेफ्ट में एच है और राइट में आई है, ठीक है ना। इसमें क्या है, वर्टिकली नीचे सी एल है, राइट में एच है, लेफ्ट में एच है, इसमें वर्टिकली नीचे एच है, राइट में सी एल है, लेफ्ट में एच है। दोनों का फिशर बनवा लो। देखो रियर कार्बन तो कायरल है नहीं वैसे, यहाँ एच है, यहाँ आई है, यहाँ बी आर है, ये दोनों दोनों हाइड्रोजन्स हैं और सी एल है, तो ये दिस इज नॉट कायरल सेंटर, देर इज ओनली वन कायरल सेंटर। इनमें इसमें जो आर एस है वो 1 2 3, ये है एस, दिस इज एस कन्फिग्रेशन एंड इट हैज द ओनली कायरल सेंटर। इसको भी बना के देख लो, यहाँ ब्रोमो, यहाँ पर आई, यहाँ पर एच, और यहाँ एच हो गया, यहाँ सी एल हो गया, ये कायरल सेंटर नहीं है, दिस इज द ओनली कायरल सेंटर। 1 2 3, ये आर हो जाएगा, एक एस है एक आर है, तो ये इनेंशियोमेरिक पेयर हो जाएंगे, इनेंशियोमेरिक पेयर हो जाएंगे, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है। तो हमारा आंसर निकला, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलो स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में एक क्वेश्चन है, ये पेयर जो है ना, ये पेयर द टू स्ट्रक्चर्स 1 एंड 2, इसका नाम ये 1 है ये 2 है, ठीक है, दे रिप्रेजेंट व्हाट। ऑप्शंस हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, आर दे स्टीरियो आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और आइडेंटिकल पेयर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक नाम, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है उसमें फ्रंट पर एच नीचे है, राइट में भी एच है, लेफ्ट में भी एच है, और रियर पर 3 CH3, राइट। देखो इसमें कोई कायरल सेंटर वगैरह तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको लीनियर कर लेते हैं लीनियर फॉर्मूले की तरह। ये है CH3, ठीक है ना, और रियर कार्बन पर 3 CH3 और लग रहे हैं, सो बेसिकली दिस इज ए नियोपेंटेन काइंड ऑफ, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, इसमें इन्होंने फ्रंट कार्बन पर वर्टिकली डाउन साइड में CH3 रखा हुआ है, यहाँ एच है और यहाँ पर एच है, राइट, और ऊपर एक CH3 रखा हुआ है जिसके राइट में एच है और लेफ्ट में CH3। इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं, तो इसको लीनियर कर लेते हैं। फ्रंट कार्बन पर एक CH3 है और 2H है, तो फ्रंट कार्बन पर एक CH3 लगा देता हूँ और 2H लगा देता हूँ, और रियर कार्बन पर एक H है और 2 CH3 है, तो 2 CH3 लगा लो, देख लो।
इसका नाम है नियोपेंटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन, ठीक है ना। इट्स नियोपेंटेन एंड इट इज आइसोपेंटेन, तो ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक्चुअली ये चेन आइसोमर्स है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। स्ट्रक्चरल का एक नाम कंस्टिट्यूशनल भी है, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल का एक नाम स्केलेटल भी है, स्केलेटल, स्केलेटल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल को ही बोलते हैं। या एक नाम है लिंकेज, लिंकेज भी इसी को बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कई नाम है, कंस्टिट्यूशनल वाला नाम खूब चलता है इसमें, कंस्टिट्यूशनल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक है।